हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घेवर। तो घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून घी ले लिया है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस घेवर की रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आटे का घेवर बनाने जा रहे हैं और ये मैदे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून घी ले लिया है। अब हम कुछ बर्फ़ के क्यूब्स लेंगे 2-3। उस क्यूब्स को हम हाथों से मिलाएंगे घी में, जब तक कि घी हमारा एकदम मक्खन की तरह दिखने ना लगे, यानी ये पूरा ठंडा हो के बटर जैसा दिखने लगता है। एकदम फ्रेश बटर जैसा रहता है ना, वैसे हमारा तैयार हो जाता है घी। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में, और देख सकते हैं आप कि एकदम बटर जैसा, एकदम फ्रेश बटर जैसा हो गया है। तो हम अब हम क्यूब्स को निकाल देंगे, सारे क्यूब्स को, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये देखिए, हमने क्यूब्स निकाल दिया। अब बटर को हम एक जगह कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध ले लिया है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, इसको हमने गर्म कर कर ठंडा कर लिया है। फ्रिज का दूध लें आप, ठंडा दूध लेना है आपको। तो इसको हम मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो इसको ज़्यादा नहीं मिलाना रहता है, बस दूध डाल दीजिए आप इसमें। फिर इसमें हम आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आटा डालेंगे, एक साथ ज़्यादा आटा ना डालें। यहाँ हम 2 कप आटा डालने वाले हैं, तो हमने 1 कप आटा अभी डाल दिया है और दूध भी हमने अभी पूरा नहीं डाला है। अभी हम दूध को भी डालेंगे पूरा, आधा कप दूध लगेगा और 2 कप गेहूं का आटा लिया था हमने। तो इसको धीरे धीरे मिलाएंगे अच्छे से। अब हमने ये पूरा दूध डाल दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा दूध डाल दिया था आधा कप, और आटा भी डालते जाएंगे साथ में, क्योंकि आटा का हमें एकदम घोल बनाना है अच्छा वाला, तो इसमें लम्स नहीं आने चाहिए आटे में। ये हमने दूध पूरा डाल दिया है इसमें, अब इसमें हमने आटा भी पूरा डाल दिया गेहूं का। थोड़ा सा कलर चेंज होता है इस घेवर का आटे से, लेकिन बनता बहुत अच्छा है। तो आप इस आटे के घेवर को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी भी हमें फ्रिज का ही लेना है, हमें यहाँ बर्फ़ का पानी यूज नहीं करना है, फ्रिज का ठंडा पानी यूज करना है। तो यहाँ पर हम पानी डालेंगे 4 कप। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे पानी और मिलाते जाएंगे आटे को, एकदम घोल जैसा पतला ही रहता है बेटर इसका, घेवर का। तो 4 कप पानी हम टोटल यहाँ डाले हैं, यानी 2 कप आटा लिए थे, आधा कप दूध लिए थे, 4 चम्मच घी लिए थे, और यहाँ पर हमने 4 कप ठंडा पानी ले लिया है। तो मेजरमेंट के साथ आप यहाँ पर घोल को तैयार करेंगे तो परफेक्ट घोल आपका बनकर रेडी हो जाती हैं और घेवर भी अच्छा बनती हैं। तो अब इस घोल को हम छान लेंगे। हमने टोटल 4 कप पानी यहाँ डाल दिया है। आप बर्फ़ का पानी अगर लेंगे तो हमने इसमें घी डाला है तो घी अलग होने लगता है, बर्फ़ में मिलता नहीं है। तो इसको हम अब छान लेंगे ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हो वो निकल जाए छानने से। तो यहाँ पर हमने छान लिया है। अब इस घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम पतला घोल बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस। तो नींबू के रस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम 1 कप चीनी ले लिए हैं, इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। इसका हमें चाशनी बनाना है, तो 1 तार की चाशनी हमको बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया था, अब इसमें हम डाल रहे हैं घेवर का बेटर। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बेटर डालना है और एकदम ऊपर से डालना है बेटर, जब तक इसमें बबल ख़त्म हो जाए, उसके बाद दोबारा आपको फिर से डालना है, और बीच में थोड़ा थोड़ा जगह बनाते जाना है। ये कलछी से या किसी भी ये पतले नुकीले कलछी से आप कर सकते हैं। ये देखिए, बीच में आ गया, जगह बन गया,
उसमें हम अपने घेवर डाल के घोल डालते जाएंगे। तो एक घेवर को सिकने में कम से कम 17 से 18 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए डालते जाएंगे और इसको किनारे करते जाएंगे। तो आप घेवर को तलने के लिए कहीं मोटे तले की बर्तन ले लें ताकि उसमें घेवर अच्छे से तल सके। यहाँ हम चाशनी आपको दिखा रहे हैं, एक तार की चाशनी बनकर रेडी हुई है हमारी। इससे ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनाना है, नहीं तो वो जमने लगती हैं। चाशनी को हम ठंडा कर लेंगे, चाशनी ठंडा करने के बाद ही हम घेवर के ऊपर डालेंगे। नहीं तो गर्म चाशनी डालेंगे आप तो घेवर हमारे सौगी हो जाएंगे। तो चाशनी को आप यहाँ पर ठंडा कर लें। ये देखिए घेवर हमारा कितना अच्छा एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम यहाँ जाली स्टैंड पर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा आयल हो वो थाली में आ सके। नीचे हमने थाली रख लिया है, ऊपर जाली रख लिया है, उसके ऊपर घेवर रख लिया है। तो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट घेवर बना है, जालीदार घेवर एकदम। अब थोड़ा सा हम घेवर को ठंडा होने देंगे और एक्स्ट्रा तेल भी हम निकलने देंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले लिया है, अब उसमें हम घेवर को रख देंगे। घेवर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चाशनी जो हमने बनाकर रखा था। तो चाशनी आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा चाशनी डाल दें, कम मीठा पसंद हो तो कम चाशनी डालें। तो अपनी पसंद से आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चाशनी को डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे रबड़ी। तो आप रबड़ी को पहले से ही बना कर रखें और जब घेवर बनाएं तो रबड़ी को उसके ऊपर डालकर गर्मा गर्म खाएं। ये देखिए रबड़ी भी हमने ठंडा ही लिया है, फ्रिज का रबड़ी है ये। हमने रबड़ी पहले से ही बना कर रख दिया था और उसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर आप तले हुए घेवर को 1 महीने तक रख सकते हैं और उसके ऊपर चाशनी डालकर 15 दिन तक रख सकते हैं। और अब रबड़ी उसके ऊपर डालकर इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है। रबड़ी वाले घेवर आप 3 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। तो फ्रेंड्स आप भी ये घेवर की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके ऊपर हमने बादाम, काजू, पिस्ता बारीक बारीक काट कर डाल दिया है ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। घेवर बहुत ही अच्छे घेवर बनकर रेडी हुए थे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।